हे दोस्तों, टॉप रिपोर्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि राउंड वन के बाद कितनी वैकेंसी अभी खाली है। तो यहां पर आप नोटिस देख सकते हैं जिसे मैंने एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। यहाँ पर जो वैकेंसी पोजिशन दिए हुए हैं, यानी राउंड वन के बाद जितनी सीट वैकेंट है वह यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कॉलेजों के नाम, और राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राउंड वन के बाद बहुत सारे सीट वैकेंट हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट को चांस मिलेगा एम्स में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में जनरल कैटेगरी में 3 सीट बाकी है, जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं राउंड 2 में यहाँ पर सीट पा सकते हैं। उसी तरह सेकेंड में है भोपाल, जिसमें 30 सीट है, भुवनेश्वर में 22, जोधपुर में 27, पटना में 30, रायपुर में 21, ऋषिकेश में 23, मंगलागिरी में 21 और नागपुर में 20। तो देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में टोटल सीट 197 है, जो पूरे ऑल इंडिया में है। तो आप जिन किसी भी स्टूडेंट को एम्स में एडमिशन चाहिए राउंड 2 के बाद, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार एसटीएससी कोटा में भी सीट अवेलेबल है। टोटल सीट की बात करें सभी कैटेगरी में तो वो है 367 सीट। राउंड 2 में जिस किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए एम्स में, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।